हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, दोपहर के अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ आज मार्केट में। और आप सब ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम जा रहे हैं स्कूटी लेने, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रिक की स्कूटी है। तो चलिए अभी आपको दिखाएंगे आगे। जिन्होंने नहीं देखी है पास से स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक, उसके क्या फीचर होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो सब आपको अभी दिखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आगे मैं भी देखूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं स्कूटी लेने। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अभी मेन मार्केट से थोड़ा सा पीछे। तो अभी हाईवे पे जा रहे हैं, तो उसके बाद अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटरी लेने। तो वहाँ पे पहुंच के आपको दिखाते हैं कि कौन सा कलर लेंगे, अभी डिसाइड करेंगे। अभी डिसाइड हुआ भी है और नहीं भी है, क्या पता हमें कोई कलर और पसंद आ जाए। तो बस पहुंचने वाले हैं, 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम अभी रास्ते में ही हैं। तो चलिए अभी मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ अपना J&K। तो J&K कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं लेने के लिए, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज ना बीवी को घर पे छोड़ के आई थी और सिर्फ मेरे पास साथ है माविया। और चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, अभी हम घूम के फिर से जाएंगे। जो है इलेक्ट्रिक जो शोरूम है ना, वो पीछे रह गया है और हम आगे से टर्न लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बैक होना पड़ेगा अभी आगे। तो ये देखिए, अभी हम बैक हो गए हैं, दूसरे साइड जा रहे हैं। तो चलिए अभी पहुँचते ही आपसे मिलते हैं। लो जी फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए। देखिए, आपने देख ही होगा बाहर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे चाट भंडार भी थे, मन कर रहा था पहले चाट भंडार खा ले, लेकिन नहीं, हमने सोचा पहले काम फिनिश हो जाए उसके बाद ही करेंगे। तो देखिए, हमने इंटर कर लिया था, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे पहले सबसे पहले स्कूटी। तो स्कूटी देखिए, आपने देख लिया होगा 3 कलर यहाँ पे अवेलेबल थे, बाकी कलर इनके नहीं आए हैं। और शायद जो बाकी वाली कंपनी है ना, वो हमें थोड़ी सी किसी का बैटरी थोड़ा सा ड्रेन हो जाते हैं, किसी की अलग से प्रॉब्लम है, तो हमें ये वाली अच्छी लगी है, इसलिए हमने यही लेना बेटर समझा। तो ये देखिए, 3 कलर हैं इसमें, आप सब बताइएगा कि हमने लिया है ये इनमें से रेड कलर। तो आके डिसाइड हो गया था यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि शायद सिल्वर कलर में मिल जाए कोई, तो वो नहीं थी इनके पास, सिर्फ वाइट और ब्लैक थी और ये रेड कलर। तो इनकी तरफ से भी जो ऐड है ना, वो रेड कलर की ही है। तो हमने सोचा कि नहीं, इसका 3 कलर है, मैं एक वाइट ब्लैक और रेड, बिल्कुल एकदम मस्त कलर था ये, तो हमने ले लिया था। और देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट लगा के भी दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने अच्छे से देखा, फिर जाके हमने स्कूटी को लेना समझा। तो देखिए यहाँ पे अभी दिखा रहे थे कि ये चार्ज कहाँ पे लगाया जाता है और किस तरह से इसको लॉक किया जाता है, किस तरह से इसको ऑफ़ किया जाता है, ऑन किया जाता है, सब कुछ इन्होंने वाइड डिटेल दिखाया है, हमें बताया है। तो ये देखिए, इसमें इनका अपना फर्स्ट एज भी होती है इसमें, और बाकी जो है बैटरी आप कैरी ऑन कर सकते हैं इसके अंदर ही, स्कूटी के अंदर बैटरी जो होती है इसकी, वो आप कैरी ऑन करके भी कहीं जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्कूटी को चार्ज घर पे ही करेंगे, आगे आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं चार्ज को। तो मेन इसका जो मेन जो पॉइंट है ना, वो इसका चार्ज का ही है, हमें चार्ज किस तरह से लगाना है,
किस तरह से पिन को बाहर निकालना है सब इसमें मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, बस सिर्फ चार्ज का। और बाकी आपको सेम मिलेगा स्कूटी के, मतलब जो दूसरी स्कूटी होती है ना पेट्रोल वाली, उसी के मतलब रिलेटेड एक सेम होता है बाकी। तो इसमें आपको GPS भी मिल जाएगा स्कूटी में, आपकी स्कूटी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है वो आप सबको पता चलेगा। और चलिए आपको भैया की भी बात बताते हैं थोड़ी बहुत। 80 से 100 के बीच में अभी बचा हो और टू भी एग्जैक्ट निकाला हो ना आपको, तो वो आप ऐप से देखो, आपको पूरा बताएगा 81%, 82%, 83%, कितना चार्ज करना है, 100% या 90%। ऐसे तो इसका ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाता है 90% आइसक्रीम पिघल गई, क्या कर दिया माउथ हमने। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं अभी अपने स्कूटी दिखाती हूँ, बाहर लगी है स्कूटी, तो चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेलिटीज जितनी भी थी पूरी हो गई हैं, अभी चलते हैं हमारी की लेने। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रही थी की, तो मैंने हस्बैंड जी को आगे करना था और मेरे ब्लॉग के चक्कर में ना हस्बैंड जी ने बोला कि आप खुद चले जाओ, तो ये हस्बैंड जी का ही दिया वो तोहफा है वही मेरे लिए। तो थैंक यू करूँगी मैं अपने हस्बैंड जी का कि उन्होंने मेरे सपने को पूरा किया। मेरा मन था कि मैं स्कूटी लूँ तो उन्होंने मुझे लेके दी है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है कस्टमर और भी आ गए थे यहाँ पे स्कूटी लेने के लिए, और हमें देख के ना, क्योंकि आज के बाद ना स्कूटी और महंगी होने वाली थी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हमें तो 1 लाख के मिली है ये स्कूटी, तो ऊपर भी लगे हैं थोड़े से 500 तक लगे होंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारी स्कूटी आ गई है हमारे पीछे पीछे, तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करवाएंगे, पहले स्कूटी की पूजा करवाएंगे फिर ही हम अपने घर पे लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे लेके। और यहाँ पे ना बारिश होना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर पे, तो अब स्कूटी लेके आ गए हैं, अभी इसकी पूजन तो हो गई, पूजन करवा के फिर ही हम घर पे जाएंगे स्कूटी लेके। तो ये हम साईं बाबा जी के मंदिर में आए हैं और यहाँ पे देखिए अभी अंदर पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पे अब हम पूजन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने लगा दी थी यहाँ पे स्कूटी, हस्बैंड जी गए थे नींबू लेने के लिए, जो कि अभी पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, उनको चाहिए है होते हैं जो टायर के नीचे रखते हैं ना नींबू नज़र उतारने के लिए, वो लाए थे और इसलिए चले गए थे हस्बैंड जी। तो अभी हमारी यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है, तो चलिए फटाफट पूजा होने के बाद मिलते हैं। और फ्रेंड्स हमारी स्कूटी का ना शुद्धिकरण तो पहले ही हो गया था, क्योंकि इतनी मतलब जो रिमझिम वाली बारिश होती है ना वो हो गई थी इसके ऊपर, और जब लेके आ रहे थे ना तब इसके ऊपर थोड़ी सी बारिश हो गई थी और हमें तभी पता चला गया था कि यह अभी शुद्धिकरण हो गया है इसका। तो फिर हमें ये ज़रूरी समझा था कि यहाँ पर आके पूजन करवा लें, इस साईं बाबा जी के आप दर्शन कर लीजिए, बहुत बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है जी बाबा जी का।
तो हम यहीं पे आते हैं बाबा जी को प्रणाम करने के लिए। तो चलिए, अभी हमारा यहाँ से हो गया था काम ख़त्म, उसके बाद हम जा रहे थे अपने सीधे घर पे। तो देखिए, ये हमारा जो हमारे घर की तरफ रास्ता है उस तरफ हम आ गए थे, और आगे आगे चल रहे हैं भैया। इतनी फास्ट गाड़ी चला रहे थे हम, मतलब देख रहे थे कि उस स्कूटी की स्पीड हैवी है या नहीं, तो काफ़ी अच्छी स्पीड थी। यहाँ पे आ गए थे हम घर पे, और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं कल स्कूटी के साथ घर पे, नए ब्लॉग के साथ। तो पापा जी ने यहाँ पे ना तेल डाल दिया था, दोनों गेट के दोनों तरफ तेल जो डालते हैं ना एक स्वागत के लिए। मैं तो थी नहीं तो मैं थाली पूजा करती कुछ, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बाहर थी इनके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।